नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो वीडियो है समीर के ब्लॉग्स का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी फैमिली हु वेंट टू इंडिया इन जनवरी 2023 फॉर यात्रा शेयरिंग एक्सपीरियंस। यानी कि पाकिस्तानी फैमिली थी, वो गई थी भारत में यात्रा पर। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि ये हिंदू फैमिली है तभी वो गई होगी। तो चलिए देखते हैं कि उनका क्या कहना था कि वो भारत घूम कर आए हैं, कहाँ कहाँ गए, क्या किया। चलिए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको एक फैमिली से मिलवाता हूं जो कि रिसेंटली जो है इंडिया से होके आए हैं और यात्रा करके आए। तो उनसे पूछते हैं कि यात्रा कैसी रही और कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना उनको अच्छा लगा, कितना मज़ा आया। तो आइए बात करते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जो है रवि भाई हैं और हमारे साथ दीदी हैं, लता दीदी। कैसी हैं लता दीदी? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। और रवि भाई, आप कैसे हैं? बहुत धन्यवाद है भगवान का, बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, पहले उनसे पूछा मैंने क्योंकि लेडीज फर्स्ट। नहीं, शक्ति पहले ही होती है। हाँ, और ये है कि आज मौका मिल गया, मैंने कहा जो है इनसे थोड़ा सा जान लेते, कभी डिटेल में फिर पूछेंगे, लेकिन आज मौका है तो मैंने कहा इनसे थोड़ा सा यात्रा के बारे में पूछते हैं। और मैं साइड से हट जाऊँगा, ये खुद ही बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। तो सर जी, बस ओवर टू यू। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि समीर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सबको लाइक करते हैं, प्यार करने वाले हैं, तो शुरू में जब हम इस फील्ड में आए तो इन्होंने हमारी हेल्प भी बहुत की, तो धन्यवाद इनका। अच्छा, ये ऐसा है कि हम यात्रा पे जब कराची से निकले, हम 11 तारीख को निकले थे यहाँ से, कराची से ये हम निकले हैं जनवरी में। अच्छा, पीछे मुझे वो झाल की आवाज आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि पीछे ये कोई हिंदू बस्ती ही है और वहां पर ये अमूमन जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में वो झाल बजाए जाते हैं, तो वो आवाज आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये किसी हिंदू बस्ती आसपास कोई हिंदू मंदिर होगा, उसी के आसपास ही ये बातचीत हो रही है, जहां तक मुझे ये फील हो रहा है, जो आवाज आ रही है एम्बियंस से उससे मुझे फील हो रहा है। ये 11 जनवरी 2023 में हम निकले हैं कराची से, लाहौर पहुँचे हम, एक दिन बाद स्टे किया गुरुद्वारे में, वहाँ से फिर हम निकले बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर के थ्रू हम गए, वहाँ इंडिया पहुँचे। इंडिया में सबसे पहले हम हरिद्वार गए, बहुत हमें वहाँ मज़ा आया। हरिद्वार के लोग बहुत अच्छे लोग, इंडियन सारी जितने भी लोग हमें मिले, बहुत उन्होंने हमसे कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे तरीके से मिले और बहुत इन्जॉय किया हमने। हरिद्वार में गंगा स्नान किया, हमारी धर्मपत्नी भी बताएंगी, थोड़ा सा इनसे ही पूछते हैं इनको कैसा लगा था वहाँ। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, मेरा तो दिल ही नहीं हो रहा था कि मैं वापस आऊँ, थोड़े दिन और रहूँ, इन्जॉय करूँ। और मेरी बेटी भी थी हमारे साथ, बेटी को भी अच्छा लगा है, बस बहुत अच्छा। अब दिल कर रहा है हम वापस जाएं। पूरा ग्रुप था आपके साथ में? जी, हमारा पूरा ग्रुप था हमारे साथ। तो यहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर आगे ट्रेन में गए थे, बस में गए? बस में गए थे। अच्छा, और उसके बाद फिर हरिद्वार गए थे। अच्छा, अभी हरिद्वार से मनसा देवी की हमने तीर्थ यात्रा की, वहाँ पर भी बहुत हमें आनंदमय हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया तकरीबन, हमें बहुत अच्छा लगा। मनसा देवी के बाद फिर हम गए दमों की यात्रा की, दमों में भी बहुत भगवान जी वहाँ के महाराज हैं, बहुत अच्छी उन्होंने हमारे साथ रबते में रहे और हमें उनके धाम में रखा। हरिद्वार मेरे यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है बाई रोड, बहुत अच्छी सड़क है। हम तो बस सुबह चलते हैं, 5 बजे चलते हैं, सुबह 10 बजे 9:30-10 बजे पहुँच जाते हैं, अपना नहाए धोए, चूँकि वहाँ पे गंगा जी हैं और गंगा जी का स्थान हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा है, हम गंगा को देवी कहते हैं, देवी की तरफ पूजते हैं उन्हें, और उसमें माना जाता है कि जब हम नहाते हैं तो सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, बेसिकली वो एक रिचुअल है और वो हम करते हैं। बहुत ऊंचा स्थान है, मनसा देवी मंदिर वहीं पे है, पास में ही थोड़ी दूर पे है, तो हम वहाँ भी गए थे। और उसके अलावा मैं ऋषिकेश, इधर ये सब मैं देख चुका हूँ, नीलकंठ महादेव मंदिर, ये सब मैं जा चुका हूँ, ये मैं इंडिया के दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत शानदार जगह है, और हम लोगों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए हरिद्वार का स्थान बहुत ऊँचा होता है। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है और वो बड़ा फेमस है, वर्ल्ड फेमस कुंभ मेला है वहाँ पर जो लगता है। तो मुझे भी अपनी यादें ताज़ा हो गई इन लोगों की बातें सुनकर, इनकी तस्वीरें देखकर। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी तवाज़ुन, जो मतलब जो सेवा कर सकते थे वो धाम में, ख़ास हमारे लिए उन्होंने बंदे रखे और बुलाए, और लोग भी जो हमारी सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। 3 दिन हम वहाँ रहे, धमो से फिर हम गए हैं
जगन्नाथ यात्रा पे, जो आजकल हमारा ब्लॉग चल भी रहा है, आप देखेंगे हमारे ब्लॉग पे भी। चैनल का नाम लता रवि यूट्यूब चैनल है हमारा, धार्मिक चैनल है, सिर्फ धार्मिक वीडियोस बनाते हैं हम, तो सारी अपडेट आपको उस पर मिलेगी, जितनी भी तीर्थ यात्रा हमने उस पर डाली है। आप चले भाई, आप लोग भी देख लीजिएगा लता रवि चैनल, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। और ठीक है भाई, देखिए आप लोगों को काम अच्छा लगे तो देखिए, उनका उनका भी वीडियो देखिए, देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये है कि फिर हम जब वहाँ से जगन्नाथपुरी गए, वहाँ से जगन्नाथपुरी के बाद फिर हम एक त्रिवेणी गए। त्रिवेणी ये नदी है जो गंगा जमुना सरस्वती का तीनों का वास है, वहाँ पे हमने स्नान भी किया, अपनी पूजा भी की। फिर वहाँ से हम गए हैं गोकुल, गोकुल में भी बहुत ज़्यादा आनंद मिला है। गोकुल में इतने धाम हैं कि हम बता नहीं सकते। वहाँ जब हम गए, वहाँ के लोगों ने जो पेजराई दी हमें, जो मोहब्बत दी, ख़ास तौर पर एक रेस्टोरेंट था। अच्छा, ये आगे अपनी बात बताएं तो ये तीन इन्होंने नाम बड़े इजीली ले लिए कि यहाँ यहाँ गए, लेकिन तीनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं तो वो ओडिशा में है, बहुत दूर है यहाँ से, ओडिशा स्टेट है हमारा, वहाँ पर है जगन्नाथपुरी। मैं आज तक गया नहीं वहाँ पर, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ बुला लें मुझे वहाँ पर तो जाने का मेरा बड़ा मन है, बहुत ज़बरदस्त मन है वहाँ पर। जब भी बुला लें, जय जगन्नाथ, जब भी बुला लें। तो वहाँ से फिर ये आए हैं जो त्रिवेणी कह रहे हैं, तो ये संगम है प्रयागराज, तो ये यूपी में पड़ता है, ये सेंट्रल यूपी हो जाएगा, सेंट्रल का मतलब यूपी में पड़ेगा बीच में। और यहाँ भी मैं जा चुका हूँ संगम पे, प्रयागराज भी जा चुका हूँ, तो ये यहाँ पर है। तो आप ओडिशा से फिर यहाँ पर आएँ, और फिर इसके बाद दमोह बता रहे थे वो एमपी में था, तो एमपी से गए होंगे वहाँ पे। हरिद्वार भी यूपी में है तो वहाँ से गए होंगे। फिर इसके बाद ये बता रहे हैं कि जी हम गोकुल आए, गोकुल यानी कि यूपी में ही मथुरा, मथुरा वृंदावन वाला जो इलाका है, ये पूरा इलाका है। तो ये बहुत पास पास नहीं है, ये कई सौ किलोमीटर की दूरी पर हैं, बहुत दूर पर हैं, बहुत यार। ये गोकुल है यार, हाँ गोकुल, मथुरा, मथुरा में वृंदावन। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें वहाँ के एक स्पेशल जो वहाँ का एक रेस्टोरेंट था, जो बेचारा हम लोग रोज गोकुल से वृंदावन जाते थे घूमने, तो लेट हो जाते थे, वहाँ का टाइमिंग है 7 बजे सब बंद हो जाता है ना, तो वहाँ हमारे लिए स्पेशल बेचारा वो अपना होटल खोल के रखता था, हम 10-11 वो बहुत ज़बरदस्त खाने हैं वहाँ के, सारे धार्मिक खाने थे, जिसमें हमने पालक पनीर और पनीर पराठा, चने छोले, सब्जी मिक्स, बहुत ही आनंदमयी सब स्वादिष्ट सारा भोजन था। और असली घी में वहाँ बनाते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि सब चीज़ें ना बिल्कुल खालिस है, और दूध और लस्सी की तो वहाँ क्या बात बताऊँ आपको मैं। आप अगर एक दफ़ा जाएँगे समीर भाई भी, तो वो उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं रहते। समीर भाई हमारे साथ ही जाएंगे हम, अगर हमारा कोई इवेंट ऐसा बना तो समीर भाई को भी कोशिश करेंगे। रवि भाई, एक चीज़ के वीज़ा लेना कितना मुश्किल था, या ग्रुप के साथ? या ग्रुप के साथ हमें कोई वो नहीं, हमारे साथ असल में हमारे जो ग्रुप लीडर है कृष्णा किशोरदास, उनके भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें हम नहीं जाते, हमें पता नहीं हमारा कैसा ये बना प्रोग्राम, वो हमें सुबह उठाते थे पासपोर्ट के लिए भी, यकीन कर हम तो जाते ही नहीं, सुबह में फ़ोन करते यार जाओ प्रभु आप जाएँ पासपोर्ट बनाने जाओ, हम कहते हैं नहीं यार प्रभु अब कल जाए, अरे अभी निकलो। वो असल में भैया रास्ता भगवान की तरफ से या अल्लाह की तरफ से जो बनना है कि हम जिसमें जामें, हमारे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमारा किस तरीके से हो गया, हमें वो कोई उम्मीद नहीं थी। मगर जब हम वहाँ तीरथ, और हमारा पूरा जद्दा था, हमारा 45 लोगों का जद्दा था, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे कृष्णा किशोर दास, सारी भाग दौड़ उनकी थी, हम तो जाते थे घूमते थे और फिरते थे और ऐश करते थे, मगर वो बेचारे जो हैं कभी थाने के चक्कर लगाना, कभी इधर कभी उधर, तो हम इस तरीके से बस चलते रहे और ये तीरथ हमारा होता रहा, बहुत आनंदमय हुआ। आप बाकी आप डिटेल जो देखेंगे हमारे चैनल की ओर से आप देख सकते हैं, लता रवि यूट्यूब चैनल। अच्छा रवि भाई, ये बताएं कि वहाँ बताते थे किसी को कि हम पाकिस्तान से आए, तब उनका रिएक्शन? ओ बहुत 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 खुश होते, तो वो हैरान हो जाते हैं, हैरान हुए यार 45 लोग कैसे आ गया। हमने बोला भाई, बोले यार सही बताया, वो मानते नहीं थे, जब हम कहते ना पाकिस्तान, कहते नहीं झूठ बोल रहे हो भैया आप दिल्ली से आए, अबे भाई नहीं पाकिस्तान से ही है, हमने हर जगह सच बताया कि भाई हम पाकिस्तान, और बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, इतना खुश होते थे कि बोले यार बहुत बड़ी बात है आप लोग, और 45 लोगों को देख के तो बहुत समझो फायदा। नहीं नहीं नहीं, असल में मैं शॉपिंग का तो टाइम ही नहीं मिला, यकीन करो, और बाकी हमारे जो ना पैसा महंगाई, हमारे पैसे की करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन है, तो वो हमारे हम इतने पैसे नहीं लेके गए, हम समझे थे ये हमारे लिए इनफ है, मगर वहाँ गए तो खाने पीने में और घूमने में उसमें ही पूरे हो गए वो पैसे। हमारी बस भी बहुत अच्छी थी। मौसम वगैरह कैसा था? बहुत ठंड में, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ट्रेन में बैठा मिला नहीं वहाँ की? नहीं वहाँ की ट्रेन में नहीं सफर हुआ, सिर्फ बस ही बस, स्लीपर बस थी, क्योंकि हायर की हुई थी, हम कहीं रुकते नहीं थे रेस्टोरेंट में हमारे, क्योंकि सारे यात्रा का था ना, तो 2 से 3 दिन कहीं रुकते, तो बस हायर की हुई थी पूरे,
टूर्स के लिए, तो वो स्लीपर बस थी, हमारे बैग वगैरह वहीं रहते थे, बस अपने जो आने जाने के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और वहाँ ढाबों पर रुक के खाना प्रसाद डांडे ढाबे पर बहुत खाने खाते थे वहाँ। तो इस तरह तीर्थ यात्रा में चला, मगर बहुत आनंदमय रहा, हमने यकीन करें 20 दिन ऐसा लगता है 20 साल हमने वहाँ गुजार दिए, इतना हमको वहाँ सुकून मिला है और बहुत अच्छे लोग हैं। तो हमारे को जो सबको हमारी तरफ से जो भी देखते हैं इंडियन, उनको सबको हमारी तरफ से जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। धन्यवाद आपका समीर भाई कि आप, धन्यवाद बहुत, थैंक यू कि आपने टाइम दिया। तो भाई अगर आप डिटेल में जो है उनकी जर्नी पूरी देखना चाह रहे हैं तो वीडियोस जो आपको मिलेंगी, लता रवि यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके देखिएगा और आपको सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगी, और उस पर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। तो बाकी है कि मैंने तो वीडियोस ऑलरेडी देखी हैं, मैंने तो इनका जितना भी सफ़र था और काफ़ी इन्जॉय किया, ट्रेन में केक वेक काटते हुए भी। इत्तेफाक से मेरी 11 जनवरी को मेरी बर्थडे थी और वो मेरी साली खास तौर पर स्पेशलिस्ट बम्बई बेकरी से वो लेकर आई थी केक, तो वो हमने वहाँ केक का सेलिब्रेट किया। तो धन्यवाद सबका जो आप मुझे देख रहे हैं, लाइक करते हुए, पसंद करते हैं, मतलब मैंने भी देखी है अब आपको यकीन। और दामो या इस तरह कोई एक नाम था वो एरिया, दमो वो भी मैंने, हाँ अच्छा, वो भी काफ़ी जगह अच्छी लगी, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। आप भी इंडिया जाएंगे तो यकीन करें आपके, आपको तो वैसे बहुत लाइक करते हैं लोग, आपको देखते हैं आपके चैनल को, तो थोड़ी सी हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और समीर भाई भी आएंगे इंडिया, ये मैं आप लोग को बोल रही हूँ, और हमारे साथ ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये टूर बने कि समीर भाई भी साथ, तो आपका जरूर प्यार मिल जाए इसी तरीके से। हमको समीर भाई को और हमको आपका प्यार की जरूरत है, आपका प्यार, समीर भाई को भी बहुत कमेंट सब्सक्राइब किया करें आप लोग, नहीं नहीं बस आप लोग का प्यार और ये साथ रहेगा। और भाई हमारी तरफ से यही आपको रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर और मैम के जो है चैनल को, सर और मैम इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब आपके हिसाब से कि भाई इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि के आगे और जो है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, क्योंकि रवि भाई को और दीदी को मैं देखता हूँ ये हर इवेंट में जो है आते हैं और साथ साथ जो है मेहनत कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है कि हमारे लिए, मेरे लिए खुद एक मतलब जो है इंस्पिरेशन वाली बात है कि ये भी और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अच्छी बात है। कभी कभी बीच में मैं जो है इतनी वीडियोस नहीं बना पा रहा था लेकिन ये बना रहे तो एक अच्छी बात है। और क्या कहेंगे कि मतलब ये इस हिसाब से बस ये एक धार्मिक कल्चर, या हमने असल में सच बताया कि समीर भाई भी ये दिखाते हैं, अच्छा लगता था हमें इनको देख के, फिर हमने एक बस हमारा भी मन हुआ और इस तरफ हमें भगवान की कृपा हुई कि हम इस तरफ लग गए। और अब ये हमें हमारे जीवन में, हम जिसे नई वीडियोस बनाते हैं हमें अजीब सा लगता है, घर में रहना अजीब लगता है, हमारा दिल होता है कहीं ना कहीं इवेंट्स हो और हम उसकी कवरेज के लिए पहुंचे, तो इस तरह इतना बस आदत हो गई है हमें और ये आदत ऐसी रहे जब तक हमारी जीवन है, सांस है। कभी किसी ने ऐसे बोला कि होते ना कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, यार क्या किन कामों में लगे, ये बहुत ज्यादा लोग हैं इस तरह के, बहुत ज्यादा करते हैं, मगर हम कहते हैं कि दुनिया का काम है कहना, और जो हम कर रहे हैं वो प्रभु को पता है, ईश्वर को पता है, लोगों का काम है कहना, इससे हमें कुछ नहीं है, हमने अपना जीवन गुजारना है, हमने जाना है तो अपने सफ़र पे निकलना है, अपने सफ़र का हमें खुद हिसाब देना है, तो हम लगे हुए, बाकी जो कहता है या सुनता है वो कहने की बात है, सुनने की बात है, हम सुनते हैं और सुन कहने वाले को फिर उनको भी हम कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, वो भी खुश हैं। चलिए जय श्री राम। और मेरी तो, आप लोग इतने जिंदा दिल हैं कि अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे अगर पता होता ना तो मैं तो हरिद्वार आ जाता आप लोगों से मिलने। तो अगली बार अगर समीर भाई भी आएँ तो भाई मैं भी समीर भाई के वीडियोस देखता हूँ और इनके भी वीडियोस को आप लोग देखें, अगर आप लोग अच्छे लगें तो भाई जाके वीडियो उनके भी देखें, लता एंड रवि। और आप लोग अगर अगली बार जब भी आएँ इंडिया तो प्लीज़ अगर मुझे एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाए कहीं से, ऑनलाइन ही बोल दीजिए, कहीं पर कुछ कर दीजिए, मेरे कहीं कमेंट में आके कर दीजिए कि भाई हम लोग आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा आप लोगों से और बड़ा मज़ा आएगा बातें करके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए पावन धरती है ये, हिंदुओं के लिए खासकर हरिद्वार बहुत बड़ी जगह है, बहुत हमारे दिलों में बहुत सम्मान है उस जगह के लिए, क्योंकि पवित्र नगरी कहा जाता है, हरिद्वार हो, जगन्नाथपुरी हो, या फिर नासिक हो, वहाँ भी कुंभ मेला लगता है, या फिर जो इंदौर का इलाका है, इंदौर कह रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं जैसे दमोह है, इधर क्षिप्रा नदी है, उज्जैन है, ये सब काशी विश्वनाथ हैं इधर यूपी में, बहुत बड़े बड़े ये नाम हैं और ये हम लोग के लिए बड़े मायने रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अगली बार आप लोग आएँ तो प्लीज़ कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, मेरा बड़ा मन करेगा आप लोगों से मिलने का, समीर भाई हों, लता जी हों या रवि जी हों। और बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना, लोगों के कहे पर जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं सबको यही सलाह दूंगा कि जो लाइन इन्होंने बोली है ना, लोग जो मन करे कहते रहें, आपको जो अच्छा लग रहा है वो ज़रूर करिए, और जिससे पॉजिटिविटी फैले, जिससे लोग खुश हों, जिससे आप खुश हों, वो काम ज़रूर करिए।
तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस देख के लगा बसें बड़ी शानदार थी भाई जो आप लोगों ने हायर की थी यहाँ पे। नॉर्मली टूरिस्ट बसें हमारे यहाँ वैसी ही होती हैं और बहुत शानदार है, स्लीपर बसें, यानी कि आप उसमें सो भी सकते हैं, वो सीट पूरी पसर जाती है, जैसे ट्रेन की जो स्लीपर बर्थ होता है ना वैसे ही बर्थ हो जाते हैं, आप सो सकते हैं वहाँ पे और सब कुछ सारी सुविधाएं हैं। और रही बात इन्होंने ढाबे के खाने की बात की, तो ढाबे के खाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं भाई साहब। मतलब मैं अगर सफर पर निकलता हूँ तो मैं भी जैसे यहाँ से अगर मान लो मैं जयपुर जा रहा हूँ ना तो मैं किसी होटल में खाना नहीं खाता, मैं रास्ते में जो ढाबे पड़ता है ना ढाबे पे खाना खाता हूँ। और क्या ज़बरदस्त खाना मिलता है भाई साहब ढाबों पर, बहुत ज़बरदस्त खाना मिलता है। मुझे याद है कहीं और जा रहे थे हम लोग, आई थिंक हम जोधपुर जब मैं गया था तो जोधपुर से हम जा रहे थे ओसियां, ओसियां में वो हैं सैंड्यून्स हैं, तो वहां जा रहे थे तो रास्ते में भूख लगी तो एक छोटा सा ढाबा बिल्कुल एकदम वीरान सड़क पर एकदम छोटा सा ढाबा, और उन भाई साहब ने वहीं पर सब्जियां पहले से बनी हुई नहीं थी, उन्होंने पूछा कि क्या बनाओगे, हमारे पास ये सब्जियां ये चीज़ें, तो हमने उनसे बोला कि तवा रोटी और शायद आलू और गोभी की सब्जी, हमने बोला था कि आप वो तरी वाली बना दो। यार क्या ज़बरदस्त खाना बनाया था उन्होंने यार, मुझे याद भी याद है, अब उस ढाबे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता, ये 7-8 साल पुरानी बात हो गई। ज़बरदस्त खाना था तो बड़ा मज़ा आता है, तो बड़ा मज़ा आया वीडियो देख के, तो आप लोग भी देखिए भाई, और जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नमस्कार। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग को नया वीडियो भी मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।